दूध निकल रहा है इससे ना, दर्दियत नहीं है? ना ना। अच्छा अच्छा सही है। अच्छा थोड़ा दूध दूध देगा आ टाइम है कितने टाइम है? 4 मिनट हो गए ने नु लगियां 15 लीटर दूध। अच्छा 15 लीटर एक गाने ऑटोमेटिक जो है वो चारा डाल रहा है मशीन के ऊपर ना, ये देखें ये सूखा चारा है, ये अभी डाल के निकला है। चाहो कप, ये बॉस है जी इस फार्म पूरे का, देखें इधर मालक खुद काम करते हैं। पाकिस्तान तो इंडिया तो आना चाहते हैं कोई बंदे, मतलब बड़ा वीडियो तो ही लोग वेखदे। हां जी हां जी, नहीं आ सकदे है हर एक। किस तरह मेरे को तरीका दस सकदे थोड़ा जिहा? ये तो सारी कैमरे को देख रही है इस तरह दूध पूरा हो गया। हां जी हां जी। अच्छा अपने आप लत जांदा जदों दूध? हां ऑटोमेटिकली लत जाना ऑटो। हां जी, ये दवाई मारी स्प्रे मारी दी भी क्योंकि और बात देखें नंबर लिखा हुआ है 328 926। ये सारा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ जी इटली के एक डेयरी फार्म में। ये गायें का बहुत बड़ा डेयरी फार्म है जनाब, बहुत बड़ा। आज आपको इटली का डेयरी फार्म दिखाएंगे कि इटली में गायें और गायें होती हैं भैंसे, इधर मैंने देखी नहीं है, गायें किस तरह पालते हैं, दूध किस तरह निकालते हैं, सारा कुछ मशीन से होता है। और मैं आपको बताऊं कि गोबर जो है ना उसको भी साफ़ करने के लिए मशीनें हैं इधर, अभी मैं देख के आया हूँ। पहली दफ़ा मैंने भी देखा है, सुना था पहले, देखा मैंने अभी है। और मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था डेयरी फार्म की वीडियो बनाने की, पर मुझे कोई ऐसा डेयरी फार्म नहीं था मिल रहा जिसमें अपना बंदा कोई काम करता हो अपनी लैंग्वेज वाला ना, जैसे इंडियन पाकिस्तानी। इस फार्म में दो इंडियन काम करते हैं, मामा भांजा, तो उनसे मैंने बात की है एक से, तो वो कहते हैं यार मास्क पहन के मैं आ जाऊँगा आपके सामने, तो उनसे पूछेंगे कि ये काम कैसा है, कितने के पैसे मिलते हैं, कितनी ड्यूटी है, कितना टफ काम है। और अगर कोई बंदा पाकिस्तान इंडिया से इस काम पे आना चाहता है तो उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लें। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है जनाब, मैं भी आपके आपकी तरह पहली दफ़ा ही देखूँगा तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यकीन माने, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना अपने मुल्क में तो और तरह का सिस्टम है, इधर का देखने का मज़ा आएगा। तो जो दोस्त पहली दफ़ा आए हैं चैनल पर वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। यार ये इस मशीन ट्रैक्टर ये मशीन है कोई, इसकी बहुत आवाज़ है, इसको थोड़ा इग्नोर करना है आपने यार। तो आइए मैं आपको ये डेयरी फार्म दिखाता हूँ कि किस तरह का डेयरी फार्म है। तो इस तरफ जो है ना गाय का दूध निकाल रहे हैं मशीन के साथ एक हमारे इंडियन भाई हैं, तो अभी वो आपको दिखाता हूँ कि दूध शुद्ध कैसे निकलता है और उनसे गपशप करते हैं कि काम कैसा है और पैसे शैसे कितने मिलते हैं उनको। ये अभी मैं नीचे जाने लगा हूँ तो आइए मैं चलो। ये देखें जी, सत श्री अकाल सरदार जी, की हाल है? ठीक हो? तो सानू तुसी उर्दू च गल करी या पंजाबी च? जिस तरह तुसी पंजाबी थोड़ा माइक फड़ लवोगे मैं इत्थे ला लो। दोस्तों ऐ साडे पंजाबी भाई ने, तिन्हां नाल असीं पंजाबी च गल करांगे, आंदे ने पंजाबी च असीं ईजी रहांगे, ते इन्हां नूं पुछने आ किस तरह का काम है ते की सिस्टम है सारा। अच्छा थोड़ा दसो किस तरह हुंदा वे काम, मशीनां दे नाल दुध चोया जा रहा है इस टाइम? हां जी इस टाइम चोया जा रहा है दुध। ये देखें जी दूध निकल रहा है इससे ना, दर्दियत नहीं है? ना ना। अच्छा अच्छा सही है। अच्छा थोड़ा दूध दूध देगा आ टाइम है कितने टाइम है? 4 मिनट हो गए ने नु लगियां 15 लीटर दूध। अच्छा 15 लीटर एक गाने दे चुकी है? हां दे चुकी है, अगे और दे रही है। ते कितना दे दियां ने ज्यादा तो ज्यादा? ज़रा ज़रा दो टाइम का 60 किलो 65 किलो 60 किलो 60 65 लीटर 50 लीटर नॉर्मल है। अच्छा सही है। और थोड़ा वहायो मतलब हर गाय कुछ ना भी देंदी होनी? ना ना कोई घट भी देंदी है, कोई 20 किलो देंदी है दो टाइम का। अच्छा 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 हां जी सही है सही है ठीक है सही हो गया। ते एक टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ 12 ਗਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। 12 12 ਤੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ? ਪੂਰੇ ਫਾਰਮ 'ਚ 200 ਗਾਵਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। 200 ਗਾਵਾਂ ਹੈ? 200 ਗਾਵਾਂ 130 40 ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਮਾਲਕ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ।
ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਆਟੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਾਰੀ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫੋਮ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਮ ਮਾਰਨੀ ਆ ਜੇ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹ ਮਾਰਨੀ ਫਿਰ ਕਾਹ 'ਤੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੀਜੀ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਧਾਕਾ ਲਾਉਣਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਸਿਰ ਚਵਾਈ ਚਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਚਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਬਸ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਸਿਰਫ ਚੁੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚੁੰਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ 8 ਤੋਂ 8 ਤੇ 4 8 ਸਵਾ 8 ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਆਪੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਰ ਵੀ 1300 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ 1300 ਰੁਪਇਆ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 8:30 ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਹੀ ਬਲੌਗ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰ ਪੇਪਰ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਸ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਨੂਲਾ ਉਸਦਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੁੱਧ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਈਪੋਂ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਪਾਈਪ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਯੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਵੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਯੇ ਜਮਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਯੇ ਦੇਖੀ ਯੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾੜੀ ਆਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਯੇ ਦੇਖੀ ਅਭੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਯੇ ਦੇਖੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਾਰਾ ਡਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਦੇਖੀ ਇਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸਮੇ ਵੋ ਇਨਕੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਕਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਉਧਰ ਖਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਮਿਕਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਾਥੋਂ ਸੇ ਇਧਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮਸ਼ੀਨੋਂ ਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯੇ ਦੇਖੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਇਸਮੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਇਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੁਕਟਰ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਜੋ ਸੂਖਾ ਜੋ ਇਨਕਾ ਚਾਰਾ ਵੋ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਰ ਬੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਹਰ ਤਰਫ ਮਸ਼ੀਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਚਾਰਾ ਡਾਲ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਸੂਖਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਾਲ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਚਾਹੋ ਕੱਪ ਇਹ ਬੋਸ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਪੂਰੇ ਕਾ ਦੇਖੇ ਇਧਰ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿਆ ਜਦੀਦ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਇਸਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਸਮੇ ਇਹ ਡਾਲਾ ਹੈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਵੀ ਗਾਇਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੱਥੋਂ ਕਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਾ ਦੇਖੇ
और ये जितना भी इनका गोबर है ये भी मशीन के साथ साफ़ होता है सारा, वो देखें दूसरी तरफ साफ़ हुआ है। और ये देखें जी दोनों तरफ गायें हैं, 200 गायें हैं जो इधर हैं, और इनके जो बच्चे हैं वो अलग हैं। सारी कैमरे को देख रही हैं इस तरफ शोर थोड़ा कम है, उधर सारी मशीनें चल रही हैं, ट्रैक्टर ट्राली है। वो मुझे जो बॉस है इनका कह रहा था कि इस टाइम शोर बहुत होता है, मैंने कहा वीडियो बनाने का मज़ा भी इस टाइम आएगा ना जब सारे काम कर रहे हैं और दूध जो है निकाला जा रहा है उनका ना। आवाज़ की खैर आपने भी थोड़ा दिल पे हाथ रख के ना देख लेनी है बस वीडियो। ये देखें मेरे ख्याल में ना इधर से सारा गोबर जो है ना इधर से होता हुआ, ये देखें इधर से होता हुआ इधर जाता है, मैंने पहले देखा था इधर काफ़ी गोबर जो है ना इकट्ठा हुआ था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इधर आता है और ये ज़ाया नहीं करते इसमें, इसको ना फिर जो खेत होते हैं ना इनके, ये जो ज़िम्मेदार होते हैं इनके खेत भी अपने होते हैं, फसल शसल चारा शारा खुद उगाते हैं, ये फिर उन खेतों में डालते हैं, ज़ाया कुछ नहीं करते, ये चीज़ कोई चीज़ नहीं ज़ाया करते। ये मेरे ख्याल में जितनी भी इस साइड पे जितनी भी गायें हैं ना इनका दूध जो है वो निकाल चुके हैं, क्योंकि सामने वो दूध निकालने वाला स्टेशन है इनका ना। तो अभी मैं बछड़े दिखाता हूँ आपको, इनके जो कट्टे वगैरह हैं वो दिखाता हूँ मैं। अच्छा थोड़ा ये ना दिखाएं आपको कि गाय की सेहत किस तरह की है इधर। अच्छा ये मुझे और लग रहे हैं कोई, ये गाय नहीं है ये बछड़े हैं सारे जो वैड़े होते हैं। देखें इनका ये गोश्त बेचते होंगे, गोश्त के हिसाब से कोई सिस्टम होता होगा इनका। ये देखें छोटे हैं अभी, तो मतलब उतने नहीं हुए। क्या हो गया कालमा नाश्ता ये देखें शरारतें कर रहे हैं कैमरे को देख के ना, ये सारे बछड़े हैं, वो मुझे बता रहा था पहले कि इस तरफ बछड़े हैं, मैं सोच रहा था छोटे होंगे, ये तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। अच्छा थोड़ा इस तरफ मैं आपको दिखा दूं, ये जो आपको सामने प्लास्टिक के नज़र आ रहे हैं ना इसमें चारा है सूखा, और वो जो हरे रंग का तरपाल सी है उसमें भी चारा इन्होंने डाला हुआ है, मतलब सेव किया हुआ है। और ये देखें दोनों तरफ चारों तरफ इस तकरीबन ना एक तरफ रोड लगता है और तीनों तरफ इन्होंने खेतों के अंदर बनाया हुआ है, आस पास ही चारा उगाते हैं, और ये नहीं एक दूर से ले कर आते हैं ना। ये देखें पराली जो है वो नीचे डाली हुई है इन्होंने, पराली नहीं ये गंदम का जो भूसा होता है, पराली तो चावलों वाली होती है ना। अभी छोटे बच्चे दिखाता हूँ आपको, मुझे लगता है वो आ गए हैं। ये भी एक मशीन है जी, इसमें भी पता नहीं चारा शारा डालते होंगे, सारा काम जी मशीनों से होता है, दूध भी मशीनों से निकाला जाता है। ये आपको जितने भी सफ़ेद रंग के डिब्बे नज़र आ रहे हैं बॉक्स, इनमें छोटे जो बच्चे होते हैं वो रखते हैं, इस तरफ है उनका मुंह मेरे ख्याल में। ये जी ये देखें अलहदा रखते हैं उसको, ये नहीं मुझे पता कितने दिन रखते हैं, और जो हमारे उधर इंडियन भाई हैं वो काम कर रहे बिज़ी बहुत थे, नहीं तो उनसे मैं पूछ लेता। ये देखें पानी एक बाल्टी में है, दूसरी में उसके लिए सूखा चारा है मसाले मसूला डाला हुआ है, इसी तरह दूसरे हैं। अच्छा एक और बात देखें, नंबर लिखा हुआ है 328 926, ये सारा इनका नंबर लिखते हैं, इनको हर चीज़ जो है ना मतलब नंबर शंबर देते हैं, ऐसे नहीं है कि बिना नंबर के कोई नहीं है इधर, शनाख्त है इनकी ना, सारे बच्चे हैं इधर। ये देखें ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो जब तक ये बड़े नहीं होंगे मुझे लगता है इधर ही रखते हैं ये। अच्छा हाँ मुझे समझ आ गई, ये छोटे हैं उसके बाद थोड़े से बड़े होते हैं तो इधर रखते हैं, क्या सिस्टम है यार इनका, देखें ना थोड़े से बड़े होंगे फिर इधर इन्होंने रखे हुए हैं, एक में छः, एक खा देखे ऊपर खाना बनाया हुआ है ना, छः रखे हुए हैं और सूखा चारा डाल रहे हैं इनको, देखें ये देखें देख रहे हैं
जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका डिब्बे जो हैं वो बड़े करते जाते हैं और उनको अलहदा करते जाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। मैं ना पहली दफ़ा आया हूँ, क्योंकि इस तरह की जगह पे बिना परमिशन के बंदा नहीं आ सकता। अच्छा थोड़ा सा छत भी देख लें यार, हो सकता है कोई बंदा पाकिस्तान में देख के उसका इरादा हो इस तरह का बनाने का ना, तो थोड़ा सा ये छत देख लें। लोहे का बनाया हुआ है सारा, पिलर ये लोहे के हैं, ऊपर गार्डर टाइप भी वो लोहे के हैं, और छत ऊपर जो है वो प्लास्टिक है, इस तरफ पता नहीं क्या है। अच्छा दो ये भी हैं जी शिकारी, ये जो आपको नज़र आ रहा ना कंटेनर सा, इसमें जो गोबर होता है ना उस इसमें डाल के, तो फिर अपनी जो इनके खेत होती हैं उसमें ये फिर डालते हैं कि फसल जो है अच्छी हो ना। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। फिर मैं किसी और इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ मिलूँगा आपको। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।